how are you all? I hope you all are doing amazing. Hi, my name is Ananya and welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please don't forget to subscribe my channel, like, comment, share and hit the bell notification below ताकि जब भी कोई new video आए तो सबसे पहले notification आपके पास आए. And if you are not following me on my Instagram, then go and follow right now because I'm most active there. Okay. And here I am back with yet another amazing video. And I know, after a really, really long time, I'm sorry for that. Okay. So as you can see कि आज हम लोग एक ये सुंदर सा you know दिवाली festive wedding glam like anything you want to call it we are gonna do that and you can see it how pretty this look is I mean just look at this नहीं and the main thing about this video is कि मैंने कम से कम products use करके ये look create किया है and you can like absolutely create this look like anytime anywhere in any occasion ye matlab har cheez ke sath ekdam perfect jayega aur zyada bakbak kiye bina let's get into the video okay guys so as you can see I have already moisturized my skin aur maine eyebrows bhi karke rakhe hai to let's move on to the primer for primer I am using NYB ka blurring primer which minimizes your pores very well and also hydrates your skin सो हम लोग प्राइमर तो स्किप कर नहीं सकते लाइक एंड यू शुड नॉट डू इट एनी वेज फेस को ना एक अच्छे से स्मूथ कैनवस देता है और उसके साथ साथ आपके फेस और फाउंडेशन के बीच ना एक बैरियर टाइप का यू नो वर्क करता है एंड यू कैन सी द डिफरेंस नाउ इट हैज मिनिमाइज माई पोर्स सो प्राइमर हमारा अच्छे से सेटल हो चुका है नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी माई ग्लैम का ट्रीट लव केयर ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन मैं यहाँ पे 1.5 पंप के अराउंड फाउंडेशन ले लूंगी दिस मच इज इनफ और अब इसको हम लोग पूरे फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके लगा देंगे और कभी भी ना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ मत करना स्पेशली फाउंडेशन वरना आपका एकदम केकी लगेगा मतलब जितना आपको चाहिए उतना यूज़ करो देखने में भी सुंदर लगता है और केकी भी नहीं होगा आई एम टेकिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन को अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर लेंगे मुझे लाइक इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विथ ब्रश तो आप ब्रश से भी कर सकते हो लेकिन आई एम मोर कम्फर्ट सो आई एम ऑल डन विथ ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से फाउंडेशन मेरी स्किन में ब्लेंड हो गया है और अब आई नो इट्स टाइम फॉर कंसीलर बट आई एम स्किपिंग द कंसीलर टूडे क्योंकि मुझे इस कंसीलर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है तो फिर सीधा बैठते हैं फेस को सेट करने के लिए सो आई एम ट्राइंग टू डू एकदम यू नो ग्लोई ड्यूई काइंड ऑफ अ लुक सो मैं ज़्यादा सेट नहीं करूँगी सिर्फ आई एम यूजिंग अ कॉम्पैक्ट आई एम यूजिंग माई ग्लैम का लिट रेडियंट मैट कॉम्पैक्ट सेम ब्यूटी ब्लेंडर से आप एक बार इसमें घुमा लो जहाँ पे आपको सेट करना है ना वहाँ पे आप ऐसे प्रेस कर दो तो फिर आपका फेस भी अच्छे से सेट होता है ओके सो आई एम डन विथ सेटिंग अप माई फेस और मैं कोई कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्जिंग भी नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट डू दैट जनरली लाइक अगर मुझे कोई फंक्शन में जाना होता है मैं कॉन्टोर ब्रॉन्जिंग कुछ करती नहीं हूँ आई जस्ट यू नो डू लाइक दिस और मैं जो भी करती हूँ मैं वही आपको दिखा रही हूँ तो फिर इट्स टाइम फॉर अ ब्लश और एज आई सेड कि एकदम मिनिमल प्रोडक्ट से हम लोग मेकअप करेंगे आज तो मैं ब्लश के लिए भी आज एक लिपस्टिक यूज़ करूँगी दिस इज़ आई लेटिन लिपस्टिक इन द शेड पिंक किस तो इट्स अ वेरी प्रिटी पिंक शेड गाइस तो ये एकदम ब्लश के लिए ना एकदम परफेक्ट है मैं यू नो मतलब मैंने इसको कई बार लाइक लिप्स से ज़्यादा मैंने इसको अपने ब्लश के लिए यूज़ किया है नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रश और इसको अच्छे से लुक एट दिस वी आर ऑल डन विथ आवर बेस सो आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लाइक दिस मेकअप फिक्सर हैज़ एलोवेरा एंड विटामिन ई एक्सट्रैक्ट्स सो ये ना एकदम अच्छा सा ग्लोई फिनिश देता है आपके फेस को आप लोग खुद ही देख लो और लेट्स ब्लेंड इट अ लिटिल ताकि सब कुछ एकदम साथ में सेट हो जाए यू कैन सी
what a beautiful glow it has given to my skin और it's looking so pretty. अभी हम लोग बनने वाले हैं एकदम चटकदार डिस्को बॉल. उसके लिए हमें चाहिए हाइलाइटर. तो हाइलाइटर भी आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का. तो इट्स अ स्विस ब्यूटी ब्रेक हाइलाइटर एंड इट इज़ रियली वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर गाइज. तो मैं एक ऐसे ब्रश में लूँगी और जस्ट यू नो एक हाइलाइटर में एंड लाइक लुक एट दिस. ओ माई गॉड. Guys, look at the glow. I just love it. और I would say कि आज का स्टार ये हाइलाइटर ही है. और क्यों ये जानने के लिए आपको एंड तक देखना होगा. So okay, now we are looking एकदम चटकदार डिस्को बॉल एंड आई एम लविंग इट. तो अभी ऐसे हमारा फेस पूरा रेडी हो चुका है. वी आर ऑल डन विथ आवर फेस. लेट्स मूव ऑन टू आवर आईज. जैसे कि मैंने बोला कि जितना हो सके मैं कम से कम प्रोडक्ट्स यूज करूंगी. तो हम लोग आज कोई आई शेडो भी यूज नहीं करेंगे. उसकी जगह हम लोग यूज करेंगे ये हाइलाइटर. लेट मी शो यू. ओके, सो आई हैव टेकन अ फ्लैट ब्रश और हाइलाइटर में इसको घुमा लेते हैं एक बार, दो तीन बार. अब इसको हम एज अ शिमर आई शेडो यूज करेंगे. ये तो कुछ ज्यादा ही पिगमेंटेड लग रहा है. इट्स वेरी इजी येट एकदम यू नो बजट बचाओ, एकदम बजट के अंदर वाला लुक. मतलब आप एक ही चीज से आप कितने सारी चीजें कर रहे हो. थोड़ा सा फिंगर से ब्लेंड कर देंगे. इस आंख में मैं फिंगर से करके दिखाती हूँ. सी माय गॉड, इट्स लुकिंग सो प्रिटी गाइस. सो फॉर आईलाइनर आई एम यूजिंग द ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर. एक स्मॉल विंग काइंड ऑफ हम लोग कर लेंगे. और अब जल्दी से इस आंख में भी मैं करके आती हूँ. ओके, आई एम डन. एंड मुझे पता है कि दोनों विंग सेम नहीं हुए आज. लाइक कोई नहीं, कभी कभार गलती, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है और थोड़ी बहुत गलती होनी भी चाहिए. नहीं. तभी हम लोग जल्दी से लोअर लैश लाइन कर लेते हैं. तो लोअर लैश लाइन के लिए मैं आई एम जस्ट यूजिंग द माई ग्लैम का काजल और इसको थोड़ा डीप करके लगाएंगे और उस पर स्मज कर देंगे. सो आई मेकअप तो हमारा पूरा हो गया है. अब द फेवरेट पार्ट विच इज आई लैशेज. तो आई लैशेज में एकदम चुटकी बजा के लगा के आती हूँ. लेट्स फिनिश दिस लुक विद अ लिपस्टिक. आई एम यूजिंग शुगर का स्मच मी नॉट मिनी लिपस्टिक इन द शेड वेरी मल बेरी. एकदम दिवाली रेडी और यू कैन से वेडिंग रेडी. मतलब आप कहीं भी, मतलब कभी भी इसको वेयर कर सकते हो इन एनी ओकेशन. आप इस सेम लुक को किसी भी लहंगा या फिर कुर्ते के साथ भी कर सकते हो, तभी भी ये एकदम बढ़िया लगेगा. और आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस लुक गाइज. आप बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड आई मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.